सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आपके साथ घर पर ही साबूदाना पापड़ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल में 1.5 कप साबूदाना लिया है। हमने यहाँ बड़े दाने वाले साबूदाना लिया है। आप चाहे तो छोटे दाने का साबूदाना भी ले सकते हैं। अब इसे एक बाउल में ठंडे पानी से 2 से 3 बार धोकर छान लेंगे। देखिए यहाँ एक बाउल में मैंने डाल दिया और अब इसमें पानी डालकर 2 से 3 बार इसे अच्छे से वाश कर लेंगे और पानी निकाल लेंगे। इस तरह से पापड़ बनाने से बहुत ही इजी और टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। देखिए मैंने इसमें पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और अब इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा साबूदाना फूलकर बड़ा हो गया है और कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है और उसमें साबूदाना को पानी के साथ ही यहाँ डाल दे रही हूँ और फ्लेम मीडियम ही रखूँगी। और इसी और देखिए पानी मैंने बहुत थोड़ा डाला है और अब इसी मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे और बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई में चिपके नहीं। अब फ्लेम स्लो करके ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। दो मिनट हो चुका है। अब इसे चेक करेंगे कि साबूदाना अच्छी तरह पका है कि नहीं। देखिए बहुत अच्छा सा पक चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस मिक्सर को आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि पापड़ नहीं तो सॉल्टी हो जाएगा। देखिए मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दे रही हूँ और इसके बाद 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। आप चाहें तो कुटी हुई ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बहुत अच्छा पक चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। मसाले को ठंडा होने पर ही डालना है। ठंडा होने पर मसाले डालने से बहुत ही वाइट दिखता है। अब एक प्लेट में 1 चम्मच मिक्सचर को डालकर प्लेट को टेढ़ा करेंगे। इससे पता चलता है कि हमारा मिक्सचर ज़्यादा वाटरी ना हो। अब चलिए इस मिक्सचर से पापड़ बनाते हैं। इसके लिए प्लास्टिक की सीट या थाली में हल्का सा कोई भी ऑयल लगाकर फैला लेंगे ताकि पापड़ चिपके नहीं। अब 1 चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर थाली या प्लास्टिक पर डालेंगे। इसी तरह सारे मिक्सचर को पापड़ की शेप में छोटे छोटे डाल देंगे। अब इस तरह से हमने देखिए सारा पापड़ बना लिया है और इस शीट को कड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया है। बीच में एक साइड सूखने के बाद सारे पापड़ को दूसरी साइड पलट कर अच्छे से सुखा लेंगे। धूप तेज रहने से देखिए 1 दिन में ही पापड़ अच्छा से सूखकर तैयार हो जाता है। हाथ में पापड़ को लेकर देखेंगे तो सारा पापड़ अच्छा से सूख चुका है और कुरकुरा भी हो चुका है। अब सारे पापड़ को साफ कंटेनर में रख देंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब भी पापड़ खाना हो गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। देखिए अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है।
देखिए यहाँ मैंने एक पापड़ डाला है, यदि पापड़ मुड़ जाए तो हल्के से पानी से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे कितने अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप भी इसी तरह से बनाइए और जब भी पापड़ खाना हो तो एज ए स्नैक्स या खाना के साथ खा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद करते हैं। 1.5 कप साबुदाने से 40 पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।